चैट जीपीटी ने गूगल और उसके सीईओ सुंदर पिचाई की नींद उड़ा रखी है। कंटेंट डिजाइनर की, ग्राफिक डिजाइनर की, लॉयर की, कोडर की, सबकी नौकरी खाएगा रे तेरा चैट जीपीटी। इस समय सिलिकॉन वैली की सबसे हॉट टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये चैट जीपीटी है क्या? किसने बनाया? करता क्या है? क्या इससे गूगल का खात्मा होगा या गूगल इसका बदला लेके सर्वनाश कर देगा? आईटी वर्ल्ड की दो दिग्गज कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बीच में घमासान छिड़ गया है। इस घमासान का मायना एक आम आदमी के लिए, एक व्यापारी के लिए, एक जॉब करने वाले व्यक्ति के लिए आखिर है क्या? कौन से बिजनेस सर्वाइव करेंगे, कौन से बिजनेस बर्बाद हो जाएंगे? ये जो जॉब करंट में आप कर रहे हो, ये बनी रहेगी या निमट जाएगी? हमारा और हमारे आने वाले बच्चे जो लाखों रुपए की फीस लगा के इतने बड़े बड़े कॉलेज में डिग्रियां ले रहे हैं, आखिर इनका होगा तो होगा क्या? तो आइए जानते हैं टॉप 1% कंपनियों का क्या खेल चल रहा है और इसका आम आदमी पे क्या फर्क पड़ेगा एकदम आम भाषा में। तो जनता जनार्दन को जय हिंद बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर चैट जीपीटी क्या है। तो चैट जीपीटी के पहले फुल फॉर्म देखते हैं, चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। यह आईटी की दुनिया की सबसे लेटेस्ट और क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है। राहुल जी, इसमें क्रांतिकारी क्या है? इतनी टेक्नोलॉजी तो चल रही है, इसमें क्रांतिकारी क्या है? यह जनरेटिव एआई है। जनरेटिव एआई का मतलब समझिए, आज तक जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी उसका काम क्या था कि जो भी घटना घट चुकी है, जो भी टेक्स्ट में लिखा है, किताब में लिखा है, ब्लॉग में लिखा है, रिसर्च में लिखा है, पेपर में लिखा है, जो भी इंटरनेट पे है, उसको एनालिसिस करके उसमें से कुछ निकाल के देती थी, वो ढूंढ के निकाल के देती थी, अपना खुद का कुछ नहीं बनाती थी। चैट जीपीटी ऐसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी कहती है, नहीं, मैं ढूंढ के एनालिसिस करके नहीं दे रही, मैं इनके बेसिस पे खुद का नया कंटेंट बना रहे हैं। तो इसको एग्जांपल से समझो कि पहले आज तक जो एआई थी उसका काम क्या था, जो जो घटना घट गई, जैसे मैं बोलूंगा कि यार मेरी प्रेमिका रूठ गई, एक शायरी लिख के दो, तो आज तक एआई क्या करेगा, आज तक जो जो शायरियां लिखी है उसमें से छांट छूट के कुछ निकाल के लाएगा, कहेगा भाई आज तक तो ये बनाया, इसके बेसिस पे कुछ बनाया। ये कह रहा है मैं एकदम नई बना देता हूं, लेटेस्ट, जो आज तक कहीं है ही नहीं। तो बोले राहुल जी ये क्या करता है? अरे भाई साहब यही तो गड़बड़ है, ये सब कुछ करता है, इससे कुछ भी करवा लो। इसको बोलो ऐसे लिख के दे, लिख देगा। इसको बोलो ईमेल लिख के दे, लिख देगा। इसको बोलोगे स्कूल का होमवर्क कर दे, दे देगा। इसको बोलो एग्जाम कर देगा, ये कोड लिख देगा, ये ग्रामर ठीक कर देगा, ये लीगल एडवाइस दे दे, ये फाइनेंशियल एडवाइस दे दे, ये पॉलिटिकल एडवाइस दे दे, ये आपके सवाल का जवाब देगा। उस सवाल का कोई फॉलोअप क्वेश्चन है, ये भाई साहब उसका भी जवाब दे देगा। ये आप ही से सीखता है, आपने कुछ सवाल पूछा, इसने आंसर दिया, आपको अच्छा लगा, आप बोलो अच्छा लगा, उस बेसिस पे और आंसर बना के देगा। आप बोलोगे यार अच्छा नहीं लगा, तो उस बेसिस पे उसको रिवर्स करके देगा, अपनी गलतियां भी मान लेता है भाई साहब। चैट जीपीटी की दीवानगी किस तरह से सर पे चढ़ के बोल रही है, आप इस तरह से पता लगा लो कि चैट जीपीटी को 1 मिलियन का आंकड़ा पार करने में मात्र 5 दिन लगे थे। 10 लाख यूजर 5 ही दिन में हो गए, और ये 1 मिलियन का आंकड़ा, अब बोलोगे राहुल जी 5 दिन में आ गए तो क्या हुआ? समझो सर, ये 1 मिलियन का आंकड़ा पहुंचने में नेटफ्लिक्स को 3.5 साल लगे थे, एयरबीएनबी को 2.5 साल लगे थे, फेसबुक को 10 महीने लगे थे, स्पॉटिफाई को 5 महीने लगे थे, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे थे। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको 2.5 महीने सालों लगे हैं, 5 दिन में करके दिखाया है। तो आज जब ये वीडियो बन रही है, 2 महीने के अंदर इसके 100 मिलियन से ज्यादा यूजर हो चुके हैं, जो कई बड़ी बड़ी कंपनियों के आज भी नहीं, और कईयों को होने में सालों लग गए। ऐसा नहीं कि इसके पहले चैटबॉट नहीं बने, चैटबॉट तो बहुत सारे हैं, आपने भी देखे होंगे, अलग अलग कंपनियों ने बना रखे हैं। बट भाई साहब इस चैटबॉट की ब्यूटी क्या है, ये ट्यूरिंग टेस्ट पास कर चुका है। सर ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है? ट्यूरिंग टेस्ट वो टेस्ट है जो ये बताता है कि भैया ये जो सामने कन्वर्सेशन लिख के आ रही है, ये इंसान ने लिख के दी है कंप्यूटर ने? आप फॉर एग्जांपल आज की डेट में किसी भी चैटबॉट से चैट करोगे तो आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा ये कोई आदमी नहीं बैठा भैया, ये तो कंप्यूटर चैट कर रहा है, आराम से पता पड़ जाता है। चैट जीपीटी में आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि भाई साहब कंप्यूटर बात कर रहा है कि इंसान बात कर रहा है। ये होता है ट्यूरिंग टेस्ट, और इसने पास कर लिया। ये सेकंड एआई है पूरे वर्ल्ड में जिसने इसको पास किया है। चैट जीपीटी बनाया किसने, ये बवाल किसने बना दिया भाई? ये बवाल बना दिया 2015 में एक व्यक्ति ने, सैम ऑल्टमैन, और उसके साथ एक को-फाउंडर और था, उसका नाम बताओ चैट बॉक्स में, वो फिलहाल ट्विटर संभालता है, एलन मस्क। एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन दोनों थे अपने को-फाउंडर, उन्होंने मिलकर ओपन एआई की स्थापना की थी। फिर मस्क ने फरवरी 2018 में देखा भैया टेस्ला में भाई साहब मेरी ज्यादा जरूरत है, तो टेस्ला को फुल टाइम संभालने के लिए गए, तो यहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन आज भी एज अ डोनर और एज अ एडवाइजर ओपन एआई के बोर्ड पे बैठते हैं एलन भैया। ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है ये पहला प्लेटफॉर्म नहीं है, इससे पहले भी गजब चीज बनाई थी डेली। डेली क्या करता है पता है, टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर देता है।
तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस समय लिखता हूँ, एक चैट लिखता हूँ, अगर मैं डेली सॉफ्टवेयर ओपन करके वहाँ पे लिखता हूँ कि सर मंकी राइडिंग अ बाईसाइकिल, तो वो उस लिखे हुए से फोटो बना के देगा, टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टर, और इतना गजब लेवल का। तो ओपन एआई जो है ये एआई रिसर्च के बिजनेस में है, और इसका काम पहले था कि ओपन सोर्स बनाएंगे, ऐसी चीज बनाएंगे जो सबके काम आएगी और नॉन प्रॉफिट रखेंगे, लेकिन अब ना तो ये इन्होंने ओपन सोर्स रखा है ना इसको नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया, बोले अब थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं। अब बोले राहुल जी आप तो ओपन एआई बोल रहे हो तो फिर इसमें माइक्रोसॉफ्ट का नाम क्यों आ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट ने सन 2018 में इसको $1 बिलियन 8,000 करोड़ रुपए का सहयोग दिया था कि भाई सुन हमारे जो क्लाउड कंप्यूटिंग हम करते हैं एक्सक्लूसिव हम ही से लेगा क्लाउड कंप्यूटिंग, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनकी पार्टनरशिप हो गई है और अब तो भाई साहब और नेक्स्ट लेवल पे बढ़ती जा रही है। आप बोलो सर चैट जीपीटी मतलब क्या मस्त चीज आई है 2022 में? सर इससे पहले 6 साल पहले सन 2016 में एक चीज लॉन्च हो गई है, इसी तरह का चैटबॉट लॉन्च हुआ था, उसका नाम था टे, लेकिन भाई साहब पहले दिन ही उसकी यूजर ने ऐसी बैंड बजाई क्योंकि वो नया नया एआई था, उसमें वो चीजें ही नहीं थी, वो गलत आंसर दे रहा था, वो रेसिस्ट आंसर दे रहा था, वो रूड आंसर दे रहा था, अजीब अजीब से आंसर दे रहा था, तो यूजर ने उसको नकार दिया। फिर भाई साहब हमारे फेसबुक वाले चाचा वो बोले हम भी लेके आएंगे, तो मेटा लेके आया ब्लेंडर बॉट 3, उसका भी सेम हालत हुई, उससे भी यूजर पूछे जवाब उल्टे सीधे, यूजर ने कहा हाथ जोड़े भाई तो जा। और अब जाके ओपन एआई ये तीसरा लेके आया है, पर इसको यूजर ने सराहा कि भैया बात करके मजा आ गया, काम बढ़िया कर रहा है। चैट जीपीटी कितना पावरफुल है आपको इतना बता दूं कि वॉटन यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ है चैट जीपीटी ने। बोले मतलब सर वॉटन यूएसटी ने इसको चेक करने के लिए MBA का पेपर दिया कि भाई देखे सॉल्व करके दिखा, इसने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, इसको बी मार्क मिला है। और सर ए क्यों नहीं मिला? अरे अभी सीख रहा, धीरे धीरे सीख जाएगा, ये ए क्या ए प्लस बी लेके आएगा। फिर मिनीसोटा यूनिवर्सिटी में जो लॉ था, लॉ वालों ने 4 पेपर दिए, चारों के चारों क्लियर किए, उसमें सी मार्क्स आए, लेकिन भाई साहब लॉ समझ के कंप्यूटर एग्जाम दे रहा है, पास और हो रहा है। अब चैट जीपीटी क्या है, क्यों है, किसने बनाया, ये तो आपको पता पड़ गया, लेकिन उससे पहले अगर आपका अब IT में मन आ गया कि राहुल जी सारा गेम तो IT में ही हो रहा है, ये जो चैट जीपीटी आया है ये भी है इससे रिलेटेड है, और मुझे लग रहा है कि जितने भी चेंजेस होने हैं कोई सा भी बिजनेस हो सब टेक की तरफ चला गया, तो ऐसे लोग जिनका IT में इंटरेस्ट तो जग गया पर नॉन IT फील्ड्स हैं क्या करें, तो ऐसे लोगों की हेल्प के लिए आते हैं हमारे आज के इन्वेस्टर कोडिंग इन्वेटर। कोडिंग इन्वेटर एक ऐसी कंपनी है जिनका सिंपल सा प्रोजेक्ट है कि भैया जो भी व्यक्ति नॉन IT बैकग्राउंड से है पर IT में आना चाहता है और एज ए डेटा एनालिस्ट करना चाहता है, तो इनके पास अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स हैं। अगर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता तो भी टेंशन की बात नहीं है, आपको स्क्रैच से कोडिंग सिखाएंगे और आपको एक्सपर्ट लेवल तक भी लेके जाएंगे, वो भी मात्र 6 महीने में। तो बोले सर सिर्फ मॉड्यूल पढ़ने से हो जाएगा? नहीं, मॉड्यूल पढ़ने से नहीं होगा, साथ में ये आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी देंगे, लाइव क्लासेस भी होगी, इनकी तरफ से गाइडिंग असिस्टेंट भी आपको मिलेगा। और बोले सर इतना सब कुछ करने के बाद भी नौकरी नहीं लगी तो टेंशन मत लो, कोडिंग इन्वेटर का नौकरी लगवाने का परसेंटेज है 93% केस में इन्होंने जॉब लगवाई है, और नहीं भी लगवा पाए तो आपके 100% पैसे वापस। पिछले 6 महीने में 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट की जॉब लगवा चुके हैं, वो भी 10 लाख से 25 लाख की रेंज में। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो मॉड्यूल है इसको डिजाइन किसने किया है? अमेजन वगैरह जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है इन्हीं के कोडर्स ने इसको डिजाइन किया है, तो ये एकदम जॉब फ्रेंडली, ऐसा नहीं कि पढ़ाया कुछ और हो गया कुछ, जो पढ़ रहे हो वही जाके वहां पे काम करना है। तो अगर आपको नॉन IT जॉब से हाई पेइंग IT जॉब की तरफ जाना है और जॉब की चाहिए गारंटी, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे नीचे जाइए क्लिक कीजिए और मेरा कोड है RM20, आप उसको लगा सकते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब इसको लेके भैया गूगल की भी नींद उड़ गई, फिर गूगल ने किया क्या और गीगल की लड़ाई से होगा क्या, ये अपन करेंगे आगे जाके डिस्कस वीडियो के अंत में, तो लास्ट तक बने रहना। इस बीच में अपन पहले अपनी बात कर लेते हैं कि भाई साहब चैट जीपीटी से एक बिजनेस को क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा या किन की नौकरी पे तलवार लटक गई है। तो सबसे बड़ी नौकरी जिन लोगों की गई है वो है भैया कंटेंट राइटर। बोले सर इनकी क्यों गई? कंटेंट राइटर आपको पता है किस तरह से वर्क करते हैं, आपको ऐसा भी टॉपिक देते हो उस पर ब्लॉग लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, प्रोफाइल लिखते हैं, किसी भी तरह का टेक्स्ट जनरेट करने का उनका काम है और उसी बात के वो पैसे लेते हैं। चैट जीपीटी बोला वो काम तो मैं फ्री में ही कर लूंगा, अगर मुझे 2000 पेज का एक ब्लॉग लिखवाना है मैं किसी ब्लॉगर को या कॉपी राइटर को 2000-5000 क्यों दूं, चैट जीपीटी पे लिखूंगा बढ़िया सा लिख के दे देगा। तो सबसे बड़ी नौकरी तो भैया जो खलबली मची हुई है वो कंटेंट राइटर में मची हुई है। दूसरी सेकंड बात जो लेके गया जॉब, ये जर्नलिज्म
जर्नलिज्म की भी ले गया। बोलो जर्नलिज्म की कैसे? सर जर्नलिज्म वाले आप नोटिस करो जो टीवी पे जिस तरह की हेडिंग आती है, न्यूज़पेपर की क्या हेडिंग देनी है, मैगजीन में क्या आर्टिकल छापना है, आपके भाई साहब अखबार में क्या छपेगा, टीवी में क्या छपेगा, भाई साहब सीनियर जर्नलिस्ट को छोड़ दो, छोटे जर्नलिस्ट का काम तो चैट जीपीटी को बस ये बोलना है कि ये घटना हो गई, तुर्की में भूकंप आ गया, ऐसा ऐसा हुआ है, ये बढ़िया सा आर्टिकल लिख के दे देगा। बोले पाकिस्तान इराक में ये वाली चीज चल रही है, बढ़िया सा आर्टिकल लिख के दे देगा। जरूरत ही खत्म हो गई यार। बच्चे अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं इससे, तो स्कूल में आए इस पे लेक्चर लिखो, बच्चे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं चैट जीपीटी में, ये ले भैया ऐसे आ गया, इसको लिखो कि 10th का क्वेश्चन पेपर सेट करके दे, 10th का क्वेश्चन पेपर सेट करके दे देगा। टीचर्स की आधी जॉब खत्म कर रहा है ये, लॉयर्स के टेंशन है ये, आप मैटर लिख दो ये वाली बात हो गई, ये संविधान क्या कहता है वो बता देगा भाई साहब। ये भाई साहब शायरी लिख के दे रहा है, ये क्रिएटिव कंटेंट लिख के दे रहा है, ये जोक लिख के दे रहा है, ये जो ऑफिस असिस्टेंट के पीए वाले काम होते हैं ये वो वाले सारे मेल लिख के दे रहा है, कोटेशन लिख के दे रहा है, ऑफर लेटर बना के दे रहा है। कुल मिला के जो एक सबसे पहले बात कही जाती थी जब भी एआई की बात होती थी कि एआई ये कर देगा वो कर देगा, तो लोग कहते थे अरे ऐसा थोड़ी करेगा, क्रिएटिव जॉब थोड़ी ले जाएगा। भाई साहब सबसे पहला अटैक क्रिएटिव जॉब पे किया इसने तो, क्योंकि इंसान कितनी दम लगा ले वो उतना बढ़िया थंबनेल बना ही नहीं सकता जितना एआई बनाएगा, इंसान कितना ही दिमाग लगा ले उतना अच्छा ऐसे लिखेगा ही नहीं जितना भाई साहब चैट जीपीटी लिख के देगा। और ये तो भैया अभी टेस्टिंग वर्जन में है, ये कहता है मैं 2021 की घटनाओं पे लिखता हूं, अभी तो इसके भाई का अपडेट होना बाकी है, ये क्या क्या नौकरी निकालेगा। चैट जीपीटी बिजनेस करने के तरीके को इस तरह से बदल रहा है कि दो एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, आप शॉक हो जाओगे। कॉर्पोरेट इस समय मैसेज करने के लिए, अपने कस्टमर से बातचीत करने के लिए एआई जनरेटेड जो मैसेज भेजती है, 2% मैसेज ही है जो एआई जनरेटेड जा रहे हैं, 2%। ठीक, अभी 98% वो अपने लेवल पे ब्लॉगर से, कंटेंट राइटर से और अपना दिमाग लगा के जनरेट कर रही है। ये 2025 अगले 3 सालों में ये फिगर 2% से 30% तक जाने की बात चल रही है। और सबसे शॉकिंग फैक्ट जिससे मैं शॉक हो गया कि यार ये क्या चीज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 2030 तक 90% से ज्यादा ब्लॉकबस्टर जो मूवीज है उसका कंटेंट ये जनरेट करके देगा। मतलब ये कह रहा है भैया क्या लिख के देगा स्क्रिप्ट राइटर, चैट जीपीटी को पता है किस तरह की पिक्चरें चलती है, किस तरह के डायलॉग हिट करेंगे, कौन सी सिचुएशन अच्छी है, क्या करना है, वही लिख देगा स्क्रिप्ट और वही जनरेट कर देगा कंटेंट। तो कुल मिला के भाई लोग बात ऐसी है कि भाई साहब बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आने तो वाला है। तो अगर आप अभी भी उन ट्रेडिशनल चीजों में फंसे हो कि नहीं भाई साहब अपन ये वाली चीज कर लेते हैं, अपन है ना गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं, अपन ये बन जाते हैं, अपन वो बन जाते हैं, तो भाई साहब दुनिया जाने कहां जा रही है। तो आप कोई सी भी बढ़िया से बढ़िया स्किल सीख लो, आज आपने स्किल सीखी वो 3 साल बाद 5 साल बाद स्किल खराब है, कुछ और हो जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज आपको अपने अंदर रखनी है वो रखना है लर्निंग माइंडसेट कि कोई बात नहीं, जो भी है आज इसको सीखेंगे, 6 महीने बाद 12 महीने बाद खुद को चेंज करना पड़ेगा तो हम तैयार रहेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी, बाजार, मार्केट सब बदल रहा है। कुछ ऐसी चीजें जो हमेशा डिमांड में रहेगी मैं आपको बता रहा हूं, कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है वो चीज हमेशा डिमांड में रहेगी, आपका मैनेजमेंट अच्छा है आप 10 आदमियों से काम करवा सकते हो, वो चीज हमेशा डिमांड में रहेगी, आप विजनरी अच्छे हो आप अच्छा प्लान बना सकते हो आप हमेशा डिमांड में रहोगे। क्योंकि एक चीज ऐसी है जो कभी रिप्लेस नहीं होगी वो है ट्रस्ट, कि भैया मैंने चाहे गूगल से कुछ भी पढ़ लिया, मेरे इनकम टैक्स की रेड हो गई, मैं चैट जीपीटी से पूछा रेड होने पे क्या करना चाहिए, वो 10 पॉइंट बता देगा, लेकिन वो 10 पॉइंट करूँ के ना करूँ जब तक मुझे एक सीए आके मुंह से नहीं बोलेगा ना कि भाई साहब ये करना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो ट्रस्ट नहीं आएगा। वहां पे अभी चैट जीपीटी या किसी भी एआई को पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन भाई साहब आज नहीं तो कल पहुंच जरूर जाएगा। तो अपने इस चीज पे फोकस करो और आगे बढ़ो। 30 नवंबर 2022 को जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, दिसंबर के महीने में गूगल ने एक मीटिंग मिलाई और कोड रेड सिचुएशन घोषित कर दी कि भाई साहब कोड रेड है, अस्तित्व का संकट है, चैट जीपीटी सब कुछ निपटा देगा। फिर आखिर इसने किया क्या अभी जानते हैं। तो एक सवाल है कि सर जी गूगल में और चैट जीपीटी में फर्क क्या है। देखो भाई साहब वैसा देखा जाए जमीन आसमान का फर्क है, गूगल तुम्हें सिर्फ चीजें ढूंढ के देता है, ये तुम्हें सीधे आंसर दे रहा है। गूगल में तुम टाइप करोगे कि यार मुझे एक बढ़िया सा रिज्यूमे चाहिए, तो ये 10 लिंक दे देगा कि यार देखो ऐसे ऐसे रिज्यूमे होते हैं, इसको तुम बोलोगे मुझे रिज्यूमे बना के दो, सीधा बना के दे देगा, अपना नाम डालो बात खत्म। गूगल आपके प्रोफेशनल काम में हेल्प करता है, ये प्रोफेशनल काम कर ही डालता है। अब भैया चैट जीपीटी में कोई लिमिटेशन नहीं है क्या? कुछ केस में तो होगा गूगल टॉप पे, हाँ कुछ चीजें हैं जिसमें गूगल आज भी अपनी बादशाहत बनाए हुए है। क्या? सबसे पहली बात, गूगल में सोर्स मिल जाता है, चैट जीपीटी में सोर्स नहीं है। आपने चैट जीपीटी से पूछा कि इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में बताओ, चैट जीपीटी आपको बता देगा, पर वो चैट जीपीटी ने कहां से पढ़ा है वो आपको नहीं बताएगा। तो उसने सही पढ़ा, गलत पढ़ा, कहां से रेफरेंस लिया पता नहीं है। गूगल जब भी आपको देगा, गूगल बोलेगा ये, तो आपको पता पड़ेगा ये किताब से उठा रहा है, आर्टिकल से उठा रहा है, एक्स ने लिखा है, वाई ने लिखा है,
तो आपको रेफरेंस पता पड़ता है, चैट जीपीटी में वो पता नहीं पड़ता। गूगल लोकेशन प्रोवाइड करा सकता है, ये अभी नहीं करा सकता। गूगल को बोलो, जैसे अभी अगर मैं गूगल पे बोलूंगा मेरा आसपास कोई मैकडोनल्ड है क्या, आसपास कोई कपड़े की दुकान है क्या, गूगल बता देगा, चैट जीपीटी नहीं बताएगा, चैट जीपीटी बोलेगा इल्ले। तीसरी चीज, चैट जीपीटी रियल टाइम डेटा नहीं देता। गूगल में अभी घटना घटी, एक मिनट में गूगल पे अपडेट आ जाएगा, चैट जीपीटी में अभी तो 2021 तक का ही चल रहा है, अभी जाने कब जाके अपडेट होगा। क्या राहुल जी गूगल बना नहीं सकता खुद के जैसा, वो तो इतना इंटेलिजेंट है, इतनी बड़ी आईटी कंपनी हो तो खुद बना दे। सर जी गूगल ने खुद का एक ऑलरेडी बना रखा है, एक लैंग्वेज मॉड्यूल काम में लेता है, लैम्डा, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। उन्होंने खुद का चैट एआई लॉन्च किया है जिसका नाम है बार्ड, BARD। और ये सुंदर पिचाई ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई साहब ये जो हमारा है ना, ये तुम्हें एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देगा। चैट जीपीटी 2021 की दे रहा है, हम लेटेस्ट देंगे। चैट जीपीटी तो फिर भी उसमें कई चीज आंसर गलत आ रहे होंगे, हमारे एकदम हाई क्वालिटी के आंसर आएंगे। और गूगल ने ये चीज लॉन्च भी कर दी है अभी, लेकिन आप बोलो सर जी मिलेगी कहाँ, कहीं नहीं मिलेगी भाई साहब। ये मिल रही है आम आदमी के लिए नहीं है, ये इसने अपनी कुछ यूजर्स को दिया है बीटा वर्जन पे। ये गूगल कह रहा है कि यार हम चैट जीपीटी की जगह एक बार ओपन में पब्लिक को नहीं देंगे, पहले हमने खास खास आदमियों को दिया है, उनका फीडबैक देखेंगे, उसके बेसिस पे हम हमारी चीजों को और रिफाइन करेंगे, नॉर्मल पब्लिक के लिए एक दो हफ्ते में या एक दो महीने में फिर लॉन्च करेंगे, अभी कोई डेट नहीं बताई है इन्होंने। पर एक सवाल है कि सर जी गूगल ने ये चीज पहले क्यों नहीं की, अब क्यों जगा? गूगल ने पहले इसलिए नहीं की और अब भी शायद पैसे लेके करेगा, फ्री में ना करे, क्योंकि गूगल का 80% रेवेन्यू तो आता है एड से। अब अगर ये गूगल सीधे सॉल्यूशन देने लग जाएगा तो भैया एड देखने कौन जाएगा? तो भैया इसके चैट जीपीटी से लड़ने के चक्कर में खुद की 80% रेवेन्यू ना खो दे। तो इसको चक्कर को लेकर अभी गूगल को समझ नहीं आ रहा इसको लॉन्च करें नहीं करें, कैसे करें।